हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे BCom द्वितीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र प्रथम, मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली। स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा अपना व्यापार चक्र, ट्रेड साइकिल्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे व्यापार चक्र का अर्थ, व्यापार चक्र की परिभाषा और व्यापार चक्र की अवस्थाएं या चरण। तो बात करते हैं हम स्टार्टिंग से व्यापार चक्र के अर्थ से। व्यापार चक्र अर्थ, देखिए व्यापार चक्र क्या होता है। व्यापार चक्र एक सामान्य भाषा में यदि हम बात करें तो अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी के जो दौर आते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्यापार चक्र। यानी कि पहले तेजी आए फिर मंदी आए, या फिर पहले मंदी आ रही है तो उसके बाद तेजी आए। तेजी का मतलब है कीमतों में लगातार वृद्धि का होता जाना, और मंदी का मतलब है कीमतों में लगातार कमी होना। तो ये ध्यान रखिए आप, मैंने इसमें एक बात बोली आपको, लगातार कमी और वृद्धि, यानी कि ये जो कमी और वृद्धि है ये लगातार होगी नियमित रूप से। अब ध्यान दीजिए कि एक एग्जांपल के लिए मैं आपको आपसे को बताऊं कि मान लीजिए आज किसी भी चीज़ का भाव या कीमत है, मान लीजिए 50 रुपये किलो है, और कल बढ़ के वो 55 हो जाती है, अगले दिन फिर से वो 50 रह जाती है या 48 हो जाती है। तो ये जो कीमतों में उतार चढ़ाव है इसको हम तेजी मंदी का नाम नहीं दे सकते। ये लगातार यदि वृद्धि बनी रहे, आज 50 रुपये भाव है किसी भी चीज़ का, कल 55 हो गया, फिर वो कुछ और बढ़ गया, इस तरह से ही लगातार बढ़ रहा है रोटेशन में, तो इस जो बढ़त है, ये जो वृद्धि हुई है, इसे तेजी का हम नाम दे सकते हैं। तो एक देखते हैं हम क्या है व्यापार चक्र में। सामान्य रूप से आर्थिक क्रियाओं जैसे उत्पादन, रोजगार, मूल्य आदि के उतार चढ़ाव को व्यापार चक्र कहा जाता है। आर्थिक क्रियाओं के सभी उतार चढ़ाव को व्यापार चक्र नहीं कहा जा सकता। यह उतार चढ़ाव नियमित रूप से नियमित समयांतरों पर होने चाहिए। यही वो बात है जो मैं आपको समझाना चाह रही थी कि ये जो उतार चढ़ाव है ये यदि नियमित हैं तो हम इसे तेजी और मंदी का दौर कहेंगे। यदि आकस्मिक हो जाता है कोई भी तो उसे तेजी मंदी का हम नाम नहीं दे सकते। तो व्यापार चक्र चलते हैं रेगुलर, व्यापार चक्र सामान्य रूप से बहुत लंबी अवधि के लिए भी चल सकते हैं, 7 साल, 10 साल। तो इस प्रकार से व्यापार चक्र एक नियमित रूप से चलने वाला दौर है जिसमें यदि तेजी की अवस्था चल रही है तो फिर वो तेजी को ही दर्शाएगी, और मंदी की अवस्था में और मंदी को ही शो करेगा वो। एक एग्जांपल के लिए आप ध्यान दीजिए, वर्तमान समय में जो आपने जो महंगी धातुएं हैं गोल्ड और सिल्वर, उनमें देखा होगा कि लगातार कीमतें बढ़ती जा रही है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि रोज़ डेली बढ़े, वो हो सकता है कि 2 दिन बढ़े, 4 दिन बढ़े और रुक जाए, फिर बढ़े, फिर कुछ कमी, 1 दिन कमी आके फिर बढ़ने लग गई वो। तो ये दौर क्या कहे जाएंगे, तेजी के दौर, यानी कि लगातार नियमित रूप से इनमें वृद्धि का दौर देख रहे हैं हम। देख रहे हैं कुछ समय पहले तक सोने के भाव काफ़ी कम थे, यानी कि 36,000 या 37,000 10 ग्राम के थे, और वर्तमान में वो 51,000 पे पहुंच चुके हैं। तो ये क्या है, लगातार नियमित रूप से, तो इसे हम कह सकते हैं तेजी का दौर। तो ये क्या है व्यापार चक्र, क्लियर। ये यहाँ पर अर्थ कंप्लीट हुआ। परिभाषा देखते हैं, व्यापार चक्र की परिभाषा। देखिए कीन्स महोदय क्या कह रहे हैं इसमें, कीन्स अपना मत प्रकट करते हैं। व्यापार चक्र का अभिप्राय एक आने वाले अच्छे व्यापार की अवधि जिसकी विशेषताएं हैं बढ़ती हुई कीमतें और बेरोजगारी का न्यून स्तर, और बुरे व्यापार की अवधि जिसकी विशेषताएं हैं गिरती हुई कीमतें और बेरोजगारी का ऊंचा स्तर से लगाया जाता है। देखिए यहाँ पर कीन्स अपना मत क्या प्रकट कर रहे हैं, उसमें दो बातें इन्होंने कही है कि व्यापार चक्र का अभिप्राय इन्होंने कहा या तो अच्छे व्यापार की अवधि, यहाँ अच्छा व्यापार कीन्स के अनुसार कौन सा हो गया, तेजी का दौर जिसकी विशेषताएं हैं बढ़ती हुई कीमतें, यानी कि तेजी के समय पर कीमतों में लगातार वृद्धि होती है जिसका इफेक्ट क्या होता है, मार्केट में बेरोजगारी का स्तर बिल्कुल न्यून हो जाता है या कम हो जाता है। आगे मैं आपको और क्लियर करूंगी अवस्थाओं में। तो यहाँ पर कीन्स अपना मत प्रकट करते हैं, कीमतें बढ़ती जा रही हैं और बेरोजगारी कम होती जा रही है, जिसको उन्होंने बोला है अच्छा व्यापार।
और दूसरा बोला है बुरा व्यापार। यहाँ बुरे व्यापार से तात्पर्य है कि इसका मंदी की अवस्था, यानी कि मंदी की अवस्था में आगे उन्होंने बोला है गिरती हुई कीमतें, तो मंदी की अवस्था में ही कीमतें लगातार गिरती जाती है और उसका इफेक्ट होता है कि लगातार बेरोजगारी में वृद्धि होती जाती है। तो ये कीन्स ने अपना मत प्रकट किया है यहाँ पर। एक कोटेशन और देखते हैं, हेबरलर के अनुसार सामान्य अर्थों में व्यापार चक्र को प्रगति काल तथा मंदी काल के अच्छे एवं बुरे व्यापार के हेर फेर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। देखिए ये महोदय भी अपना विचार यही प्रकट कर रहे हैं कि व्यापार चक्र का मतलब प्रगतिकाल और मंदीकाल, यानी कि दोनों प्रकार से तेजी भी हो सकती है और मंदी भी हो सकती है, दोनों का हेर फेर, अर्थात तेजी आएगी उसके बाद मंदी का आना निश्चित है, और यदि मंदी की अवस्था है तो कुछ समय पश्चात तेजी की अवस्था का आना भी निश्चित है। तो इस प्रकार हेबरलर भी यही बात कह रहे हैं कि तेजी और मंदी का दौर लगातार नियमित रूप से चलता है, जिसमें एक के बाद दूसरे दौर का आना निश्चित है। तो यहाँ पर हमने देखा व्यापार चक्र की परिभाषा। नेक्स्ट देखते हैं हम व्यापार चक्र की अवस्थाएं या चरण, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए व्यापार चक्र के अर्थ और परिभाषा पढ़ने के बाद इनके चरण पे आते हैं। सामान्य रूप से व्यापार चक्र के पांच अवस्थाएं या पांच चरण इसमें माने जाते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले मंदी या पुनरुत्थान की अवस्था, सॉरी मंदी की अवस्था। देखिए मंदी के का मतलब है डिप्रेशन की अवस्था। यदि हम ये मंदी की अवस्था से प्रारंभ करें व्यापार चक्र को, तो मंदी क्या होती है? मंदी की अवस्था कहलाती है जब कीमतों में लगातार कमी का दौर हो। कीमतों में लगातार कमी का मतलब क्या होगा? यानी कि ऐसी अवस्था में जब कीमतें लगातार गिरती जा रही है, मांग में कमी हो रही है अर्थव्यवस्था में, चूँकि मांग में कमी है, पूर्ति बनी हुई है, तो लगातार कीमतों में कमी होगी, और इसका इफेक्ट क्या होगा? वर्तमान समय में आप देख सकते हैं, पहले मैं इसको समझा देती हूँ फिर आपको वर्तमान को एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए मंदी की अवस्था क्या हो गई, जब कीमतों में लगातार कमी है, उसका मुख्य कारण क्या है? आय की कमी। धीरे धीरे जब रोजगार में कमी होने लगती है किसी भी कारण से, तो ये रोजगार के में कमी की अवस्था सभी क्षेत्रों में फैल जाएगी। कारण क्या है इसके पीछे? जब एक क्षेत्र में लोगों की आय कम होती है तो इसका इफेक्ट होता है आय जुड़ी हुई है उपभोग से। जब लोगों की आय कम होगी तो वो अपना उपभोग घटा देंगे, उनकी मांग कम हो जाएगी। जब उपभोग कम हो जाएगा या मांग कम हो जाएगी तो इसका इफेक्ट पड़ेगा उत्पादन पर। धीरे धीरे उत्पादकों के लाभों में कमी होगी और वो अपना उत्पादन कम कर देंगे, और जब उत्पादन कम किया जाएगा इसका मतलब श्रमिकों की छटनी होना प्रारंभ हो जाएगी। श्रमिकों के श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि पहले से उत्पादन कम हो चुका है, उत्पादन की मांग नहीं है, उद्योग धंधे धीरे धीरे बंद होने लगेंगे और श्रमिकों की छटनी होने के कारण वो श्रमिक भी बेरोजगार हो जाएंगे। इसका इफेक्ट क्या होगा? जब एक श्रमिक बेरोजगार होता है तो उसके पीछे उसके परिवार की वस्तुओं की मांग भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसका इफेक्ट हुआ कि जो वस्तुएं वो श्रमिक उपभोग करता, वो सारी वस्तुओं के उद्योग भी, उन उद्योगों में भी मांग की कमी हो जाएगी। तो सीधा सा है, इस प्रकार से एक उद्योग में आई हुई मंदी दूसरे उद्योगों को भी अपनी चपेट में ले लेगी, तो धीरे धीरे सभी उद्योग मंदी की चपेट में आ जाएंगे। तो इसका इफेक्ट क्या होगा अर्थव्यवस्था पर? एक निराशा का वातावरण छा जाएगा, सभी जगह मंदी का इफेक्ट प्रभाव दिखने लगेगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, हताशा निराशा का वातावरण हो जाएगा, उद्योगपतियों के लाभ कम हो जाएंगे, उद्योग धंधे धीरे धीरे बंद होने लगेंगे, जिससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था की गति रुक जाएगी। ये कहलाती है मंदी की अवस्था। देखिए आप ध्यान दीजिए, कोरोना काल में आपने देखा कि लॉकडाउन हुआ, उद्योग धंधे बंद हो गए, अब उसका इफेक्ट क्या हुआ? श्रमिक बेरोजगार हो गए, बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक पलायन कर गए विभिन्न क्षेत्रों से अपने घरों की ओर। अब इफेक्ट क्या हुआ? उनके इनकम कम हो गई, और इनकम कम होने का इफेक्ट क्या हुआ? उन लोगों का उपभोग कम हो गया, मांग कम हो गई, और मांग कम होने का इफेक्ट क्या है? आज भी हम प्रभाव देख सकते हैं मार्केट में कि वस्तुओं की मांग कम है, बहुत सारे उद्योग अभी भी स्टार्ट नहीं हो पाए हैं। ये क्या है? मंदी की आहट है, मंदी का आगमन है। तो मंदी का आगमन इसी प्रकार से स्टार्ट होता है, लेकिन इसका इफेक्ट किस पे पड़ता है सबसे ज़्यादा? पूंजीगत सामानों पर।
जो उपभोग सामान है, जितने भी कंज्यूमर गुड्स है, उन पर नहीं पड़ता। आप देखिए खाने पीने की वस्तुओं की मांग कुछ मात्रा में ही कम हुई है, उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है, जबकि ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है पूंजीगत सामानों पर, उनकी मांग कम हो चुकी है बहुत ज़्यादा और वो उद्योग बुरी तरह से प्रभावित होंगे। लेकिन जब पूंजीगत सामानों के उद्योग बंद हो जाएंगे तो वो उपभोक्ता उद्योगों को भी अपनी चपेट में ले लेंगे, क्योंकि उधर की बेरोजगारी इधर भी प्रभावित करेगी, इन उद्योगों को भी प्रभावित करेगी। तो इस प्रकार से ये पहली अवस्था है मंदी की अवस्था, जिसमें चारों ओर निराशा का वातावरण होता है। अब जब मंदी की अवस्था अपने चरम पे पहुंच जाती है, उसके पश्चात यानी कि कीमतें बहुत ही कम स्तर पे पहुंच चुकी है, बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, उस सिचुएशन में क्या होगा? क्योंकि लोगों की मांग कम हो चुकी है, अब एक समय ऐसा आएगा जब चूँकि प्रोडक्शन जो था वो धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है, जितनी पूर्ति थी मार्केट में, चूँकि और प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उद्योग धंधे बंद हो गए, तो जो पहले से प्रोडक्शन था किसी भी वस्तु का वो समाप्त होने के स्तर पे आ जाएगा। अब जब ये समाप्ति के स्तर पे पहुँचेगा, धीरे धीरे पुनरुत्थान की अवस्था स्टार्ट होगी, रिकवरी की अवस्था अर्थव्यवस्था में शुरू होगी। रिकवरी की अवस्था कैसे शुरू होगी, पुनरुत्थान की अवस्था शुरू कैसे होगी, ध्यान दीजिए आप। देखिए जब पूर्ति समाप्त हो चुकी है पहले से पड़ी हुई, उस समय चूँकि मांग कुछ वस्तुओं की मांग बनी हुई है अभी भी, जिसको हम बोल सकते हैं कंज्यूमर गुड्स, जो भी खाने पीने की वस्तुएं हैं, सिंपल सा आप ध्यान दीजिए। अब जब खाने पीने की वस्तुओं की मांग है तो धीरे धीरे एक तरफ तो सरकार इन्वेस्ट करेगी अर्थव्यवस्था में, सरकार विनियोग करेगी, पैसा डालेगी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, दूसरी तरफ उद्योगपति भी कुछ पैसा लगाएंगे, तो इफेक्ट होगी। जब मांग बढ़ना स्टार्ट होगी तो धीरे धीरे उद्योग धंधे फिर से स्टार्ट होना प्रारंभ हो जाएंगे, प्रारंभ होना शुरू हो जाएंगे, और जब उद्योग धंधे शुरू होंगे, प्रारंभ होंगे, तो धीरे धीरे लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी, उनके पास उनको आय प्राप्त होगी, और जब लोगों को आय प्राप्त होगी तो उनकी मांग भी बढ़ेगी। जब इस प्रकार से मांग बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, अर्थव्यवस्था में विनियोग होने लगेगा और धीरे धीरे उत्पादन पुनः स्टार्ट हो जाएगा। साथ में बैंक भी देखेंगे कि हाँ ठीक है, हमारा व्यवसाय वापस स्टार्ट हो रहा है, तो वो भी लोन देना प्रारंभ कर देंगे। वह बैंक जो मंदी के समय में डरे हुए थे, लोन देना बंद कर दिया था, वही बैंक पुनरुत्थान के समय, चूंकि उन्हें पता है कि हमारा व्यवसाय स्टार्ट हो जाएगा और यदि हमने पैसा दिया लोन के रूप में तो पुराना पैसा भी प्राप्त होगा, तो इस तरह से बैंक पुनः ऋण देना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस तरह से जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा का रोटेशन बढ़ता है, मुद्रा रूपी उनको रक्त मिलता है, तो शरीर अर्थव्यवस्था रूपी शरीर फिर से काम करना स्टार्ट करता है। एक तरह से इस समय ऑक्सीजन मिलती है व्यवसाय को और धीरे धीरे व्यवसाय स्टार्ट होना शुरू होना शुरू हो जाते हैं, मतलब प्रारंभ होना शुरू हो जाते हैं। ये अवस्था पुनरुत्थान की अवस्था कहलाती है। इस अवस्था के पश्चात आती है थर्ड स्टेज, पूर्ण रोजगार की अवस्था, फुल एम्प्लॉयमेंट। ये एक अर्थव्यवस्था के लिए सबसे उत्तम और सबसे अच्छी अवस्था है। इस अवस्था में ये अवस्था प्रत्येक देश प्राप्त करना चाहता है। क्या कारण है? क्योंकि इस अवस्था में अर्थव्यवस्था में जितने भी काम चाहने वाले व्यक्ति हैं, जो काम करना चाहते हैं, वो कोई भी बेरोजगार नहीं रहता, वो अर्थव्यवस्था की बेरोजगारी समाप्त हो जाती है। हालांकि ऐच्छिक बेरोजगारी इस समय भी बनी रहेगी। ऐच्छिक बेरोजगारी का मतलब है ऐसे व्यक्ति जो काम ही नहीं करना चाहते, तो उनको तो कोई भी व्यक्ति काम नहीं दे सकता, किसी भी हालत में उनसे काम नहीं करवा सकता है, चूँकि उनकी इच्छा ही नहीं है। तो ऐच्छिक बेरोजगारी इस समय बनी रहेगी, लेकिन जितने भी व्यक्ति हैं जो कार्य करने योग्य है और कार्य करना चाहते हैं, वो बेरोजगार नहीं रहेंगे, उनको रोजगार मिल जाएगा। तो ये अवस्था एक देश के लिए बहुत अच्छी अवस्था है, जिसे हर देश प्राप्त करना चाहता है। तो इस अवस्था में सारी आर्थिक क्रियाएँ अनुकूलतम स्तर पर पहुँच जाती है और उत्पादन के सभी साधनों को काम मिल जाता है, सभी साधन काम पे लग जाते हैं। तो इस प्रकार से इस अवस्था में मूल्य, मजदूरी, उत्पादन, आय, सभी में एक स्थिरता आ जाएगी, ये सभी चीज़ें स्थायी हो जाएगी। उत्पादन के साधनों का पूर्ण उपयोग होगा, व्यवसाय असफल होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी, व्यवसाय असफल नहीं होंगे, उनके सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएगी, विनियोग बढ़ जाएंगे,
बैंकों के ऋण जो डूबत ऋण थे वो घट जाएंगे, उन्हें ऋणों की प्राप्ति होने लगेगी, पुनः उनकी रिकवरी हो जाएगी। तो ये अवस्था एक देश के लिए जिसको हम बोल सकते हैं आदर्श अवस्था है। पूर्ण रोजगार की अवस्था भी एक लंबे समय तक नहीं बनी रहती। क्या कारण है इसका? क्योंकि जब पूर्ण रोजगार प्राप्त हो जाता है उस समय उत्पादन के सभी साधनों को रोजगार मिला हुआ है, उद्योगपतियों के लाभ बढ़ते हैं। जब उद्योगपतियों के लाभ बढ़ रहे हैं तो उन्हें विनियोग करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। अब जब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा अर्थव्यवस्था में? चूंकि उत्पादन के सभी साधन तो रोजगार में लगे हुए हैं पहले से, तो इसका इफेक्ट, और उत्पादन अब और बहुत अधिक दर से नहीं बढ़ाया जा सकता, तो इसका इफेक्ट होगा कि कीमतें बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अब कीमतें जैसे ही बढ़ेगी उद्योगपतियों के लाभ और बढ़ेंगे, और जैसे ही उनके लाभों में और वृद्धि हुई और उसका इफेक्ट होगा कि वो और ज़्यादा विनियोग करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट होती है तेजी या अभिवृद्धि की अवस्था, जिसे हम कहते हैं बूम। क्योंकि उद्योगपतियों के लाभ बढ़ रहे हैं, वो और अधिक विनियोग करेंगे, इसका इफेक्ट होगा कि लगातार कीमतों में उछाल आएगा, कीमतें बढ़ती जाएगी। इसका इफेक्ट होगा कि उत्पादन के साधनों पर दबाव पड़ने लगेगा, और ये जो रोजगार की अवस्था थी वो अत्यधिक रोजगार में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो नौकरी करने वाले नौकरियों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा होगी और काम करने वालों की संख्या कम होगी, नौकरियों के अनुपात में काम करने वाली जनसंख्या कम रह जाएगी, जिसका इफेक्ट क्या होगा, उत्पादन और जो भी मजदूरी है, उत्पादन लागत और मजदूरी दोनों में वृद्धि होती जाएगी। और इसका इफेक्ट होगा, चूँकि उत्पादन और मजदूरी बढ़ रही है तो सभी वस्तुओं के मूल्य बढ़ते जाएंगे, मूल्यों में वृद्धि होगी और विनियोग की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाएगी, बैंकों द्वारा लोन बहुत ज़्यादा मात्रा में दिए जाएंगे, सट्टे की प्रवृत्तियों में वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार से, या श्रम संघ भी अपनी हड़तालें तालाबंदी करने का कार्य प्रारंभ कर देंगे, नए उद्योग स्थापित हो जाएंगे, नए उद्योग प्रारंभ होना स्टार्ट होंगे, नए उद्योगपतियों को प्रोत्साहन मिलने लग जाएगा। तो ये अवस्था कहलाएगी तेजी या अभिवृद्धि बूम की अवस्था। नेक्स्ट अवस्था आती है, पांचवी अवस्था जो है हमारी, अवरोध की अवस्था अथवा मंदी का पुनरागमन, रिसेशन जिसको बोलते हैं। देखिए, जो तेजी की अवस्था है उसकी भी एक लिमिटेशन है, वो बहुत लंबे समय तक बनी नहीं रह सकती। तेजी में स्वयं में ही विनाश के बीज निहित होते हैं। जब तेजी आएगी अपने बहुत ज़्यादा एक सीमा से ज़्यादा जब तेजी की अवस्था पहुंच जाएगी, उसके बाद विकास की गति मंद पड़ जाएगी। और चूंकि जब उत्पादन के समस्त साधन बहुत अधिक मात्रा में काम लिए जा रहे हैं, तो आपने पढ़ा होगा उत्पत्ति हास नियम क्रियाशील होने लगता है। और उत्पत्ति हास नियम बताया था मैंने आपको, जब उत्पादन के साधन जितनी मात्रा में हम लगाते हैं, यदि प्रोडक्शन उससे कम अनुपात में मिल रहा है, तो ये कहलाता है उत्पत्ति हास नियम। और जब उत्पत्ति हास नियम क्रियाशील होता है तो लागत वृद्धि नियम क्रियाशील हो जाता है। अर्थात ऐसी सिचुएशन में लागतें लगातार बढ़ती जाएगी, लागत वृद्धि नियम क्रियाशील हो जाएगा। दूसरी तरफ क्या होगा कि बाजार मूल्य और उत्पादन लागत में दोनों में डिफरेंस कम हो जाएगा, यानी कि उत्पादकों के लाभ लगातार कम हो जाएंगे। एक तरफ उनके लाभ कम हो रहे हैं, एक तरफ उत्पत्ति हास नियम क्रियाशील है, दूसरी तरफ किराया, मजदूरी, ब्याज दरें, इन सभी में भी वृद्धि होती है, तो इनके कारण उत्पादकों का व्यय बढ़ता जाता है। इसका इफेक्ट क्या होता है, धीरे धीरे चूँकि सभी चीज़ों की लागत बढ़ती जा रही है, प्रोडक्शन की लागत बढ़ रही है, तो उत्पादकों के लाभों में कमी होती जाएगी, उनके लाभ लगातार कम होते जाएंगे। और जब उत्पादकों के लाभ कम होंगे तो वो इन्वेस्ट भी कम करेंगे, और जब इन्वेस्ट कम किया जाएगा तो फिर से वही अवस्था स्टार्ट हो जाएगी। जब इन्वेस्ट कम होगा, इसका इफेक्ट है कि वो बैंकों से लोन कम लेंगे, बैंकों के ऋण घट जाएंगे, और साथ ही जो बैंकों के बैड डेट्स है वो बढ़ने लगेंगे। चूँकि उत्पादकों को लाभ नहीं है, वो प्रोडक्शन करने के लिए किसी भी तरह से उनको प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, तो इफेक्ट होगा धीरे धीरे बैंकों के लोन बढ़ते जाए, बैंकों के बैड डेट्स बढ़ते जाएंगे, बैंक लोन देना कम कर देंगे। और इस प्रकार से पुनः जब अर्थव्यवस्था में पूंजी कम होती जाएगी,
विनियोग कम होते जाएंगे, निवेश कम होंगे, तो पुनः मंदी की आहट स्टार्ट हो जाएगी, अर्थव्यवस्था में मंदी की अवस्था का आगमन पुनः हो जाएगा। इसका मुख्य कारण क्या है, इसमें देखिए इसमें होता क्या है, सबसे ज़्यादा मजदूरी लागत मूल्य गिरने लग जाएंगे, व्यवसाय की मात्रा गिरेगी, उत्पादन आय विनियोग और रोजगार घटने लग जाएंगे, बैंकों का ऋण देना कम हो जाएगा या वो कठोर शर्तों पर ऋण देंगे, और धीरे धीरे निर्माण की क्रियाएं कम हो जाएगी या मंद हो जाएगी, और इफेक्ट क्या होगा, मंदी की आहट स्टार्ट हो जाएगी अर्थव्यवस्था में। तो इस प्रकार से ये पांचवी अवस्था है, अवरोध की अवस्था अथवा मंदी का पुनरागमन, और अर्थव्यवस्था में पुनः जो हम मंदी से स्टार्ट किया था वो पुनः मंदी की अवस्था का आगमन प्रारंभ हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसी चीज़ को हम एक डायग्राम से समझते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, व्यापार चक्र के लिए एक डायग्राम है। देखिए आप इस डायग्राम में ओ एक्स अक्ष पर हमने लिया है समय अवधि, और ओ वाई अक्ष पे शो होता है मूल्य स्तर या आर्थिक क्रियाएं। मूल्य स्तर वही है जो उत्पादन के विभिन्न साधन प्राप्त करते हैं, उत्पत्ति के साधन आप सभी जानते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, ये मिलकर जब काम करते हैं तो इनको किराया, ब्याज, लगान, लाभ के रूप में जो भी आय प्राप्त होती है वो यहाँ पर है, उन सभी का सम्मिलित रूप मूल्य स्तर के रूप में बताया गया है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, डायग्राम में देखिए आप पी डी, ये क्या है, मूल्य स्तर है, सामान्य मूल्य स्तर को शो कर रही है ये रेखा। इसमें ध्यान दीजिए पी से ए जो दिख रहा है आपको, जहाँ लिखा हुआ समृद्धि, यानी कि ये पॉइंट दिखा रहा है पी से ए वाला कि इसमें कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। देखिए कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, पी से बढ़ के ए तक पहुंच गई है, यानी कि ए बिल्कुल टॉप बिंदु जिसको हम बोल सकते हैं, टॉप पॉइंट है, उच्चतम स्तर है कीमतों का। जब कीमतें उच्चतम स्तर पर पहुँच जाएगी उसके पश्चात चूंकि एकदम से मांग कम हो जाएगी, इतने की उच्च स्तर पर वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी, खरीदना कम पसंद करेंगे, तो पुनः प्रतिसार या मंदी सॉरी पुनः कीमतों का गिरना प्रारंभ हो जाएगा। और जब कीमतों का गिरना प्रारंभ होगा यानी कि ये अवस्था कौन सी है, अवरोध की अवस्था या मंदी का आगमन, रिसेशन की अवस्था। ए से बी पॉइंट हमें दिखा रहा है मंदी का पुनरागमन या अवरोध की अवस्था। अब इसके पश्चात ये प्रतिसार यानी कि ये जो कीमतों की गिरावट है ये यदि अभी भी मतलब जिसको हम बोलते हैं जारी रहती है, लगातार गिरती रहती है, बी से सी तक यदि गिर जाती है, इसका मतलब बी से सी की अवस्था क्या है, कीमतें अपनी सामान्य स्तर से भी कम हो गई है। सामान्य स्तर था कीमतों का बी पॉइंट और उससे कम दिखा रहा है बी से सी पॉइंट, यानी कि बहुत ज़्यादा लागत भी उद्योग नहीं निकाल पा रहे हैं। बी से सी की अवस्था में बहुत कम कीमतें चली गई है, उद्योग धंधे हानि में चल रहे हैं। यानी कि मंदी का टॉप बिंदु क्या है, सी पॉइंट, यानी कि जब मंदी अपने निम्नतम मंदी के यानी कि कीमतें बहुत ज़्यादा कम हो जाए एक लिमिट से, तो उसका पूरा लास्ट पॉइंट था सी पॉइंट। यहाँ तक कीमतें कम होने के बाद फिर से क्या होगा, पुनरुत्थान की अवस्था प्रारंभ होगी। पुनरुत्थान यानी कि फिर से यहाँ पर इस जगह पर सरकार इन्वेस्ट करेगी अर्थव्यवस्था में, सब जन कल्याण कार्यों में व्यय करेगी, और बैंक के ऋण देना प्रारंभ करेगी, बैंकों को इस प्रकार की नीति बनाने के लिए कहेगी सरकार की, ज़्यादा से ज़्यादा मुद्रा अर्थव्यवस्था में फैले, मुद्रा अर्थव्यवस्था में उपलब्ध हो जाए, तो यहाँ से पुनः पुनरुत्थान की अवस्था प्रारंभ हो जाती है और अर्थव्यवस्था धीरे धीरे गति करती है, सी से डी बिंदु पर पहुँचती है कीमतें बढ़ती हुई, और डी बिंदु के पश्चात फिर से समृद्धि की अवस्था, बूम या तेजी की अवस्था में पहुंचना स्टार्ट होता है। तो इस प्रकार से जो आपने ये देखा पी ए बी सी और डी, ये कहलाता है व्यापार चक्र, यानी कि बढ़ा फिर नीचे गया मंदी की तरफ, फिर अगला इसका स्टेप क्या आएगा, फिर बढ़ेगा और फिर घटेगा। तो ये जो नियमित रूप है बढ़ने का और घटने का, ये कहलाता है व्यापार चक्र, ट्रेड साइकिल्स। तो आज के लिए इस वीडियो में हम यहीं तक कवर करेंगे इसके क्या विशेषताएं हैं व्यापार चक्रों की और इन पर किस प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है। क्योंकि बहुत लंबा हो जाता टॉपिक, तो ये चीज़ें मैंने अगले वीडियो में डाली है, आप अगले वीडियो में इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन हमें मिल जाता है, तो आप ध्यान दीजिए, इसको अच्छे से पढ़ें। कोरोना काल चल रहा है, स्टे होम स्टे सेफ, अपनी पढ़ाई जारी रखें, कनेक्टेड रहें,
और पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें, समाज का ध्यान, समाज के लिए भी आप ध्यान दें कि किसी भी प्रकार से किसी की कोई भी सहायता की आवश्यकता है तो वो करें, और परिवार का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।